ये हमारे कैलकुलेटर का साइड बाय साइड का फ्रिज। चलिए मैं आप लोगों को इसका फुल टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए बताऊंगा किस प्रकार से आप टेम्परेचर को इजीली एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 500 लीटर का है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों को सिस्टम समझ में आ पाएगा। बहुत ही नॉर्मल टाइप का इसका सेटिंग है जिससे आप इजीली अपने माइनस वाले पॉइंट को जो होता है ऊपर का टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका जो राइट साइड में जो प्लस वाला सेक्शन है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस में आपको अभी आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर जो ये बटन है ना सेटिंग वाला, इसको प्रेस जब करेंगे, ठीक है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है वाला माइनस वाला, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। -20 में कर सकते हैं, -18 में कर सकते हैं, ठीक है, -16 में कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना पे ले आना है, -18 जो है वो मीडियम साइज है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। हम बोलना चाह रहे हैं कि हम सेट कर देंगे, अभी हम आपको सिर्फ सिस्टम बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसको 3 सेकंड प्रेस कीजिएगा ना सीटिंग वाले को बटन को, इस तरह से ब्लिंक देखिए उधर करने लगा, इधर ब्लिंक करने लगा राइट वाला में, तो अभी इसको सेट हम कर सकते हैं। 8 पे रखना है, 2 पे रखना है, 5 पे रखना है, सबसे बेस्ट 5 पे रखता है तो इस 5 पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का सेट हो गया। कभी भी सेटिंग को चेंज करना है तो 3 सेकंड के लिए सेटिंग वाला बटन को प्रेस कीजिएगा तो एक बार लेफ्ट में आ जाएगा, फिर प्रेस कीजिएगा तो राइट में चल जाएगा। बाएं साइड वाला माइनस के लिए है, ज़्यादा आइस जमेगा, जितना माइनस में रखिएगा -24 में तो ज़्यादा से ज़्यादा आइस जमेगा। और ये नीचे का सिस्टम का राइट साइड वाला के लिए, आपका प्लस वाला सिस्टम के लिए, ठीक है। माइनस में बर्फ जमेगा, प्लस में आपका सिंपल में कूलिंग करेगा राइट साइड वाले में, ठीक है।